ये पेपर रोल रहेगा, पेपर रोल को आपने इसमें डाल दिया, इसके ऊपर स्केल लगी है, स्केल से एडजस्टेबल, एडजस्टेबल स्केल है, ठीक है। ये मेरा रिबन आएगा राइट, इस तरह से आपके पास एक रिबन का रोल भी है, ये रिबन की कोर है, रिबन की कोर आपने फिट कर दिया राइट। शाइनिंग पार्ट जो है वो ऊपर को रहता है, ठीक है, शाइनिंग पार्ट ऊपर को हो गया। ये मेरा प्रिंटर है, अभी हमने इसको लेवल सेट कर दिया, लेवल सेट करने के लिए पेपर रहता है, बीच में नज़र आना चाहिए ना, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पेपर गाइड को हमने एडजस्ट कर दिया राइट, ये सेंसर गाइड है, इसको एडजस्ट कर दिया। रिबन लगाने के लिए हमें क्या करना है, रिबन हमने यहाँ पे फिट करना है, और ये फिट कर दिया रिबन, ओके। रिबन फिट करने के बाद इसका जो सेकंड कोर रहेगा, सेकंड कोर को हमने रिबन कोर लगा दिया, और इसके ऊपर थोड़ा सा What we need to do is just okay. इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज एक्जैक्टली रिबन फिट हो गया, रिबन फिट होने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दिया, बहुत साइड से पेंच करके इसको हमने राइट। अभी हम इनको ऑन कर देते हैं, अब ऑन कर दिया, अब ऑन करने के बाद ये इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेवल शॉप सॉफ्टवेयर, लेवल शॉप सॉफ्टवेयर को हम ऑन करेंगे राइट। लेवल शॉप हमारा ओपन हो गया, सेटअप में गए, ओके, क्लोज इट, दिस इज द बेसिक सॉफ्टवेयर, ओके। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट किया, नेक्स्ट, और इसमें हमने ये प्रिंटर आ गया, लेवल साइज़ पे गए, लेवल का जो साइज़ है वो हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। लेवल का साइज़ है अभी हमारे पास 75 and 55 राइट, सिंगल कॉलम है, तो इसको ओके कर देंगे। ये मेरे पास विंडो आ गया, अगर हमने इसके ऊपर कुछ भी लिखना है, लिखने के लिए हमें इसके ऊपर टाइप करेंगे, जो भी डाटा हम लिखना चाहते हैं वो इसके ऊपर लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड कोडिंग सॉल्यूशंस राइट। अगर हमने सिंगल लाइन लिखना है तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट में गए, अगर मल्टी लाइन करना है तो मल्टी लाइन क्लिक कर देंगे तो मल्टी लाइन हो जाएगा। अगर इसी में हमने कुछ एडिशन करनी है, डेटा सोर्स में गए, प्रिंटिंग एंड कोडिंग सॉल्यूशन SCO90 RON ग्राउंड FLOO ग्राउंड फ्लोर MOTIA मोती प्लाजा बद्दी, ओके, हमने इसको मोती प्लाजा बद्दी को नीचे ले लिया, कॉमा डिस्ट्रिक्ट SOL 17-0-5 राइट। अगर इसमें हमने कोई सीरियलाइजेशन डालनी है वो भी कर सकते हैं। ये मेरा डेटा तैयार हो गया, फॉर एग्जांपल हमने इसको 3 लाइन में कर लिया। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं फॉन्ट में जाऊंगा, यहाँ पे बोल्ड इस्तेमाल करूँगा, अगर फॉन्ट साइज़ 12 करना है तो 12 कर लूँगा, ठीक है, फॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया राइट, ओके। इसको मान लीजिए सेंटरिंग करना है तो ये सेंटरिंग ऑप्शन यहाँ से है,
सेंटर कर लिया। अगर मुझे इसके अंदर कुछ और एडिटिंग करनी है तो डेटा सोर्स में मैं जाऊंगा और फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, फॉन्ट है, फॉन्ट में मुझे अगर मान लिया 11 साइज़ रखना है, 11 कर दिए। अगर मुझे डेटा कोड बार कोड बनाना है इसका, अगर इसमें बार कोड भी बनाना है तो बार कोड भी बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डबल क्लिक किया, डेटा सोर्स पर गया, अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया कंटेंट को, ओके। अगर मुझे इसमें बार कोड बनाना है तो बार कोड पर जाऊँगा, बार कोड को यहाँ पर ओपन किया, इसमें बार कोड में क्या डाटा डालना है, मान लिया मैंने यही डाटा डालना है, ओके। बार कोड में गया, कोड कौन सा डालना है मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डालना है QR कोड, तो मैंने QR डाला और ओके हो गया, ये QR कोड इसने मेरे को बना के दे दिया। इसका रिसाइज़ अगर करना है तो हम यहाँ से रिसाइज़ भी कर सकते हैं, बार कोड का, और इवन ये 2D बार कोड है, राइट, 2D बार कोड प्रिंट हो गया। अगर मेरे को प्रिंट का कमांड देना है तो यहाँ से क्वांटिटी किया 1, अगर प्रिंट करता हूँ 1 प्रिंट करता हूँ तो देखिए मेरा एक रिबन, एक प्रिंट आ गया, राइट। अगर मान लिया इसको मैंने सेंटरिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो ये सेंटरिंग आ गया, ओके। और अगर मैंने इसके मान लिया कमांड देता हूँ क्वांटिटी, अगर मैं 10 चाहिए मुझे, 10 की कमांड दिया, ओके। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, अभी देखिए आपका पीछे मैंने ओके, दिस इज़ द प्रिंट क्वालिटी, ओके, यू कैन सी प्रिंट क्वालिटी। इसमें कुछ भी मैटर जो है हम डाल सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्यूटोरियल ऑफ इजी पोस्ट बारकोड प्रिंटर। थैंक यू।